कौन? किससे? एसीपी साहब से? जरा होल्ड कीजिए सर। हाँ दया। कोई बाला है, आपसे बात करना चाहता है। बाला? 10 साल के बाद याद कैसे आई तुम्हें मेरी? हाँ, याद तो उसकी आती है जो भूला हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला एसीपी। 10 साल 3 महीने 12 दिन। डायलॉग बाजी बंद कर। काम की बात कर। क्यों फोन किया तुमने मुझे? अपनी बेटी के लिए। बेटी की वजह से? बता वाला, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मेरी बेटी कीर्ति इंडिया में एक डांस रियलिटी शो कर रही थी, जूम डांस प्लस। 3 दिन पहले अचानक उसकी मौत हो गई। कैसे? पुलिस, यहां तक कि सीबीआई ने उसे खुदकुशी डिक्लेयर करके केस बंद कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदकुशी नहीं थी। मेरी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती। देखो वाला, अगर क्राइम ब्रांच ने कहा है कि वो सुसाइड है तो सुसाइड ही हो सकता। उनसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। और फिर तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उसने आत्महत्या नहीं की है, उसका खून हुआ? क्योंकि मरने से ठीक पहले उसने मुझसे बात की थी। हेलो डैड। डैड, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया। बट यू नो व्हाट डैड, मैं उसे ना छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अपसेट थी क्योंकि वो कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को गोली मार ले ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ये केस तुम दोबारा खुलवाओ और साबित करो ये खुदकुशी नहीं, खून है। और मैं तुम्हें वादा करता हूं एसीपी कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊंगा सरेंडर करने। पूरी काम करो, पता लगाओ इस जूम डांस प्लस में ऐसा कुछ हुआ था क्या। सर, हाँ, ये बाला कौन है? बाला एक शातिर ज्वेल थीफ है, सैकड़ों चोरियां की है उसने, करोड़ों का माल लूटा है। और सर, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया? हाँ फ्रेडी, पकड़ा नहीं गया। एक बार मेरे हाथ में आया था लेकिन निकल गया वो। सर, मैंने इस केस के बारे में पता किया। ये खून एक बिना लाइसेंस वाली गन से हुआ था और इसीलिए क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व होना पड़ा। मर्डर? नो वे। मौत की वजह खुदकुशी थी और अभिजीत, क्राइम ब्रांच तो ये केस पहले ही सॉल्व कर चुकी है। अभी आप लोग क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, हमें शक है कि ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। रियली? सर, गन विक्टिम के हाथ में थी और गोली उसके मुंह के अंदर लगी। बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल का निशान नहीं था। पैराफिन टेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव था। इट वाज एन ओपन एंड शट केस अभिजीत। एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये एक आत्महत्या है। बट आई डोंट नो व्हाई, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक मर्डर है? नहीं सर, हम आपकी जांच को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं। हमें कुछ लीड मिली है, हम एक बार और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। That's all. Sir, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा एक्चुअली कीर्ति के साथ? Zoom Dance Plus ये डांस रियलिटी शो है और कीर्ति उसकी पार्टिसिपेंट थी। रूम में जाकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपनी ही पिस्तौल से गोली मारी। इस मेकअप रूम में दो दो दरवाजे हैं। ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दरवाजा तोड़ के लोग अंदर आए। और हाँ, वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है। जब ये दरवाजा तोड़ के आए तब कोई यहाँ से भागा, बाहर निकला था कोई? नहीं सर। दया, ये चेयर शीशे के बिल्कुल सामने है, पीछे दरवाजा दिख रहा है। और ये लाश की पोजीशन ऐसे थी। अगर हम ये मान भी लें कि ये
मर्डर है तो फिर कीर्ति ने शीशे में सामने से आते हुए अपनी खूनी को देखा कैसे? और अगर देखा तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किया? हो सकता है वो अपने कातिल को जानती थी। यहाँ पे कीर्ति का करीबी दोस्त कौन था? करीबी दोस्त कोई नहीं सर, एक्चुअली वो इतनी आकड़ू किस्म की लड़की थी कि दोस्तों क्या, कोई उसे पसंद ही नहीं करता था। पता नहीं सर इतनी दूर तक कैसे आ गई, डांसर भी कुछ खास नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, इस शो का फॉर्मेट है क्या, मतलब कौन तय करता है कि कौन कंटेस्टेंट इस शो से बाहर जाएगा कौन नहीं? जैसे कि आप देख सकते हैं 100 मार्क का फॉर्मेट है, 60 मार्क जजेस के और 40 मार्क ऑडियंस के, यानी कि हर जज के हिसाब से 20-20 मार्क मिलते हैं हर जज को। इसकी मार्कशीट देख सकते हैं, पैराफिन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब इसके हाथों में गन पाउडर था। बाकी की रिपोर्ट भी सब सही है, बस सीबीआई की सारी रिपोर्ट सही है। इस लड़की ने खुदकुशी की है, खुद अपने हाथों से अपने मुंह में गोली मार ली है, तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? यार सुन के मुझे पता है, सीबीआई ने साबित किया है कि इस लड़की ने, इस कीर्ति ने खुदकुशी की है, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस केस में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कीर्ति का खून हुआ है सारुंगे, कीर्ति का खून हुआ है। और देख तू कुछ भी कर, मुझे साबित करके दे कि कीर्ति का खून हुआ है। इसके जो कुछ घाव है वो अंदर की तरफ है गोली लगने की वजह से, और गोली पीछे से निकल गई है इसलिए वो घाव का निशान है, बाहर कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे मान लू कि इसने सुसाइड नहीं किया, मर्डर है? बाला बोलो। एक काम सौंपा था तुम्हें एसीपी, तुम तो भूल ही गए या हार मान ली? ये एसीपी कभी भूलता नहीं ना कभी हार मानता है। याद रख इस केस पे काम चालू है, और तू मेरी चिंता मत कर, अपनी खुद की सोच खुद की चिंता कर, समझे? मेरी चिंता छोड़ो एसीपी, अगर मैं ना चाहूं तो तुम किसी भी हालत में मुझ तक नहीं पहुंच सकते। ये केस ही वो दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकती है, और इस बार तुम चूक गए ना, तो मुझे पकड़ने की बात तो दूर, तुम कभी मेरी आवाज भी नहीं सुन पाओगे। Damn it! सारंगी, मेरी बात मान ले। कीर्ति ने खुदकुशी नहीं की है, कीर्ति का खून हुआ है, खून। यार कोई तो एक सबूत होगा जो खून की तरह इशारा कर रहा है। सालों के बस मुझे एक सबूत दे दे यार, एक सबूत, फिर देख मैं क्या करता हूँ। अरे यार पर सबूत है ही नहीं तो तू कहाँ से? मैं यार तू कैसा फॉरेंसिक सर्जन है फिर? अरे फॉरेंसिक सर्जन क्या तुमने बनाया मुझे? नहीं मैंने नहीं बनाया, अपनी पढ़ाई से बनाओ भाई साहब। तो फिर फायदा क्या है उस पढ़ाई का अगर तू प्रूव नहीं कर सकता कि ये इसका खून हुआ है? अच्छा बस यार तुम बहुत जिद्दी इंसान हो यार। मैं जिद्दी हूँ? हाँ और क्या, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अच्छा ठीक है बॉस, सीबीआई की रिपोर्ट को मैं अलग करके सोचता हूं, मैं खुद अपने तरीके से तहकीकात करूंगा, और अगर ये खून हुआ, अगर नहीं साड़ूंगे, अगर ये खून नहीं, ये खून ही है। ठीक है तुम्हारी बात मान ली, चैलेंज स्वीकार कर लिया, अगर ये खून हुआ है तो फिर वही बात, ये खून ही है बस। अच्छा भाई अगर सॉरी ये खून हुआ है तो सालू के तुम्हें सबूत दे करके रहेगा। ये है जिसने उसे हमेशा एक जैसी मार्क दिया, ये जज मोना, ये इतने कम मार्क्स कोई खास वजह? हाँ क्योंकि ये जो दो जज हैं प्रियंका और मार्टिन, इन्होंने तो अच्छे मार्क्स दिए हैं, 15, 18, 16, 20, 15 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन मोना ने हमेशा 10 से कम नंबर दिए, ऐसा क्यों? पता नहीं सर क्यों कम मार्क्स दिए अभी, वैसे मोना जी तो एक फिल्म डायरेक्टर हैं और मार्टिन और प्रियंका कोरियोग्राफर हैं, तो सब अलग अलग फील्ड्स हैं सर। वही तो, मोना फिल्म डायरेक्टर है और ये दोनों कोरियोग्राफर, डांस के मूव्स को हमेशा ये कोरियोग्राफर्स बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो इनका इन कंपैरिजन टू डायरेक्टर इन दोनों ने अच्छे मार्क्स दिए। और ये जिस दिन ये एलिमिनेट हुई उस दिन भी इन लोगों ने भर भर के मार्क्स दिए हैं, इस मोना ने तो सबसे कम दिए। मैं अभी क्या बताऊँ ना क्यों कम मार्क्स दिए। कीर्ति की आखिरी परफॉर्मेंस देखनी है हमें। हाँ सर श्योर।
अब जरा जजेस के रिएक्शन दिखाइए। शायद इसी वजह से ऑडियंस ने इसे कम नंबर दिए, परफॉर्मेंस के बीच में गिर गई ना। हमें जो कॉन्टेस्टेंट आज छोड़ के जा रहे हैं उनका नाम है कीर्ति। ये कीर्ति के गिरने से पहले हर कोई कीर्ति के परफॉर्मेंस से खुश था, परफॉर्मेंस ठीक था या नहीं पता नहीं, पर ये जज मोना के एक्सप्रेशन से लगता है कि कोई खास दिक्कत थी उसे कीर्ति से। आसान के क्यों बोला? पंकज ये रिपोर्ट तुमने बनाई? हाँ सर, ये मेरी रिपोर्ट है। क्या एक पिछले केस की रिपोर्ट, केस रिपोर्ट ये तुमने बनवाई? हाँ सर। तुमने पिछले केस का जो रिपोर्ट फाइल किया है वो फोरेंसिक के रिपोर्ट के साथ मैच नहीं होता। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है सर? मैंने दो बार क्रॉस चेक किया। तो फिर साळुंखे साहब ने भी वो चेक किया है, समझे? तुम्हारी रिपोर्ट सिर्फ गलत ही नहीं झूठी भी है। सर पंकज गलतियां कर सकता है लेकिन सर झूठी रिपोर्ट? तो क्या साळुंखे साहब झूठ बोल रहे? क्या उनकी दुश्मनी है पंकज के साथ? तो फिर देखो पंकज, पंकज मैं गलती बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन झूठी रिपोर्ट में तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी आईडी, तुम्हारी बैच और गन अभी यहां टेबल पर चाहिए। सर सर आई एम सॉरी सर। पंकज आई सेड आईडी, बैच और गन जल्दी। सालुंखे साहब ये क्या कर रहे हैं आप? दरअसल मुझे पंकज के आंसू चाहिए थे। ये सब कुछ मैंने पंकज के आंसुओं के लिए किया है। आंसू? क्यों सर? वो भी पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये बात समझ लो कि कीर्ति का खून हुआ है, कीर्ति ने आत्महत्या नहीं की। और इस बात को प्रूव करने के लिए मुझे मुझे फ्रेडी तुम्हारे और पूर्वी तुम्हारे, तुम दोनों के भी आंसू चाहिए। एक काम करो पूरे ये प्याज रखे हैं इन्हें जरा काटो। प्याज? हाँ उसे प्याज की भजिया खानी है, काटो। बस। अरे बस करो यार।
या कानून के? तू कर क्या रहा है, कुछ बताएगा भी? देखो बॉस, साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि इंसान की आंखों से जो आंसू निकलते हैं अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग दशाओं में, जैसे कि अभी हमने लिए प्याज काटने के, सुख के, दुख के, ये सभी आंसू अपने कंपोजिशन में, अपने रूप में, अपने आकार में एकदम अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अच्छा, तो ये बॉस, कीर्ति की आंख पर भी हमें सूखे हुए आंसू मिले थे। ये देखो बॉस, ये जो सैंपल है ये कीर्ति की आंख से मिले हुए आंसू का है। ठीक है, अब हम कीर्ति की आंख से जो आंसू निकला है उसे इन तीनों के जो आंसुओं के सैंपल हमने लिए थे उनसे मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि ये आंसू किस भावना का है। ये इन तीनों के आंख से निकले हुए आंसू, खुशी के, प्याज काटने के और दुख के। ये तो मेरे आंसू से मैच हो रहे। एग्जैक्टली फ्रेडी, तुम्हारे आंसुओं से मैच हो रहे, मतलब ये खुशी के आंसू हैं। इसका मतलब साफ है बॉस, कीर्ति जब मरी तो वो खुश थी, और जो इंसान खुश होगा वो सुसाइड क्यों करेगा? साफ है कीर्ति ने सुसाइड नहीं किया। पर बॉस, कीर्ति की आंख का ये आंसू का सैंपल मैंने उस डॉक्टर को भी भेजा जो इस पर रिसर्च कर रहा है। ठीक है, फिर उसका भी यही मानना है बॉस कि ये आंसू खुशी के आंसू। सर, ये बात आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं, इस पर अभी काफी रिसर्च चल रही है, क्योंकि ये रिसर्च के प्रोसेस में है, इसलिए हम कोर्ट में इसे प्रूव नहीं कर सकते बॉस। कोर्ट में ना सही, हमारे लिए तो साबित हो गया ना कि कीर्ति का खून हुआ है। खून? पूर्वी, क्या हुआ यहाँ पे? सर, आप लोगों का फोन नहीं लग रहा था तो? हाँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्यों? सर, साड़ों के सर के हिसाब से ये सुसाइड नहीं, कंफर्म मर्डर। मर्डर? कीर्ति का मर्डर हुआ है? उसने तो खुदकुशी की थी ना? हाँ, लेकिन हमें कुछ नए सुराग मिले जिनसे ये साबित होता है कि उसने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। और आपको ये लगता है कि उसका ये सो कॉल्ड मर्डर मैंने किया? जिस तरह के मार का आप उसे शुरू से दे रही थी, उसे लगता नहीं कि वो आपको कुछ खास पसंद थी? कीर्ति एक एवरेज डांसर थी, उससे बेहतर डांसर्स थे, इसलिए मैंने उन्हें मार्क्स दिए, उसे नहीं दिए। मगर बाकी के दोनों जजेस ने तो उसे अच्छे मार्क्स दिए। ये आप उनसे पूछिए, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि कंपटीशन के इस लेवल तक कीर्ति अपने टैलेंट की वजह से नहीं पहुंची, उसके पीछे कोई और ही बात है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कंपटीशन से पहले एक्सक्यूज मी, हाय मैम। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। तुम अंदर कैसे आई? वो मैम आपकी सिक्योरिटी है ना बाहर, उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तब जाके उन्होंने मुझे अंदर आने दिया। ठीक है, बताओ कौन हो और क्या काम है? मेरा नाम ना कीर्ति है मैम, वो जो कंटेस्टेंट है ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, I am one of them. You know what, मैम? जब मुझे पता चला कि आप इस शो को जज करिए, I was so excited. And you know what? I'm your biggest fan. मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है। Very nice to know. और मैम, मैं आपके साथ साथ आपकी कॉस्ट्यूम्स, आपकी ज्वेलरी सबकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ। वैसे मैम, ज्वेलरी से मुझे याद आया, मेरे पास ना कुछ 30-40 लाख तक का एक ज्वेलरी का सेट पड़ा हुआ है। लेकिन मैम, मैं तो ज्वेलरी पहनती नहीं। लेकिन मैम, आप तो पहनती है ना, और आप पे बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट मैं लेकर भी आई हूँ। जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें अच्छे मार्क्स। नो मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम्हारा मतलब जो भी है ना, मुझे बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो मैं तुम्हें कैसे नंबर देती हूँ। इनफैक्ट तुम्हारे जैसी बेईमान लड़की को तो इस कॉन्टेस्ट में होना ही नहीं चाहिए। आई एम सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम खुद से जा रही हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? प्लीज सिक्योरिटी को मत बुलाइए। आई सेड ली। उसने फिर कभी आपसे ऐसे कोई बात की थी? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
सर अब? अब इन बाकी दोनों जज से भी मिलते हैं। क्यों सर, इन पे भी शक जाता है? अगर कीर्ति ने मोना को रिश्वत देने की कोशिश की थी तो हो सकता है उन दोनों जजेस को भी दी होगी। मार्क्स देख के तो लगता है दी है, क्योंकि अच्छे खासे मार्क्स दिए इन लोगों ने, जबकि वो बेचारी तो डांस करते करते गिर गई थी। पूछते हैं इस मार्टिन और प्रियंका से। ओ सीआईडी। हम कीर्ति के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए। मर्डर? पर वो तो नहीं, सुसाइड नहीं, खून हुआ है उसका। ओ कीर्ति ने मोना को कुछ रिश्वत देने की कोशिश की थी, तो तुम्हें भी रिश्वत दी होगी उसने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और अगर वो ऑफर भी करती तो मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। प्रियंका जी, कीर्ति ने तो आपको कोई रिश्वत नहीं दी, फिर भी आपने उसे इतने अच्छे मार्क्स दिए, और वो कोई खास डांसर भी नहीं थी, और एलिमिनेशन राउंड में तो उसने फॉल्ट भी किया था, परफॉर्म करते वक्त गिर गई थी, फिर भी। देखिए सर, हम यहाँ पर डांसर्स को सिर्फ उनके डांस पर जज नहीं करते हैं, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स, आई मीन हम उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, एंड मैं मानती हूँ कि वो गिर गई थी, लेकिन वो इमिजिएटली उठी एंड शी कंप्लीटेड द डांस। जस्ट बिकॉज वो गिर गई, दैट डजंट मीन कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। क्वालिटी इज लाइक खूबसूरती, एक्सप्रेशंस, डांस, पर्सनैलिटी, सब कुछ, और ये सब कुछ कीर्ति में था। थैंक यू। या सर, मुझे नहीं लगता है कि हम इनसे कुछ मिलने वाला है। ये दोनों जितने सीधे दिख रहे हैं उतने सीधे है नहीं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली निकालते हैं दोनों की। सर, सर इस मार्टिन के मीडिया में तो बहुत चर्चे हैं सर, और अगर न्यूज को सच माना जाए तो ये उन लोगों में से है जो खूबसूरत लड़कियों को देखते ही फिसल जाता है, और ये बहुत पैसे वाला भी है। बेईमानी, फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं सर, ईमानदार आदमी है, स्पेशली अपने डांस को लेकर, इसलिए तो इतना चीप और बदतमीज होने के बाद भी ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स है। और सर ये प्रियंका, इसकी लाइफस्टाइल काफी हाईफाई है, हर रात पार्टीज में आना जाना, इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये देखिए सर। सर मुझे नहीं लगता इन दोनों को रिश्वत लेने की जरूरत होगी। जी रिश्वत सिर्फ पैसे में नहीं दी जाती, और भी तरीके होते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट, फॉरेन की ट्रिप्स, और भी कुछ। हाँ सर, मोना को भी कीर्ति ने पैसे नहीं बल्कि बेशकीमती हार देने की कोशिश की थी। एक मिनट पूर्वी, एक मिनट रुको। क्या हुआ सर, क्या देख रहे थे? यस, पता चल गया फ्रेडी किसने रिश्वत ली है और क्या रिश्वत ली है। प्रियंका जी, ये आपकी तस्वीर है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी है, राज की पार्टी में ली थी। ये हार भी आपका ही है? ऑफ कोर्स, मैंने पहना है तो मेरा ही होगा ना। वेरी गुड, कहाँ से मिला आपको ये हार? मिला, खरीदा है मैंने। काफी महंगा लगता है। जी, इट्स अराउंड 40 लाख। 40 लाख? जी ठीक है, फिर चलते हैं। चले चलते हैं मतलब? सीआईडी ब्यूरो, चलिए। क्यों? ये हार चोरी का है। चोरी? जी। देखिए आप मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? आप उसे क्वेश्चन करिए ना जिससे मैंने ये हार खरीदा है। हाँ आप सही कह रही हैं। तो किससे खरीदा आपने, किसने बेचा आपको? मैंने वो कीर्ति ने बेचा था आपको। हाँ वो कीर्ति, कीर्ति भला मुझे क्यों बेचेगी? मैंने वो ये हार
10 साल पहले चोरी हुआ है। 10 साल? जी हाँ, और इसे बाला ने चुराया। बाला? ये बाला कौन है? कीर्ति के पिता। कीर्ति ने अच्छे नंबर्स के बदले आपको ये हार रिश्वत में दिया और आपने ले लिया। रिश्वत लेने से पहले कुछ तो पता लगा लिया होता इसके बारे में। आपने कीर्ति से रिश्वत ली, लेकिन खराब परफॉर्मेंस की वजह से फिर भी कीर्ति एलिमिनेट हो गई, तो हो सकता है उसने धमकी दी होगी कि वो आपका भांडा फोड़ देगी और आपने उसे मार दिया। आप लोग ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मैंने कीर्ति से ये हार रिश्वत में लिया था, लेकिन खून, मैंने उसका खून नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैंने खून नहीं किया है। वो हम लोग पता लगा लेंगे। पूर्वी, अरे चलिए। मैंने खून नहीं किया, मेरी बात समझिए, मैंने सचमुच मैंने खून नहीं किया। आप सुनते क्यों नहीं है? आरोक साहब, बॉस, कीर्ति के हाथ पर गन पाउडर कैसे आया पता चल गया। कैसे? कीर्ति के मेकअप रूम के दरवाजे के इस नॉब से। मैंने इस नॉब की अच्छी तरह से जांच की, इस पर पहले से ही किसी ने गन पाउडर छिड़का हुआ था। कीर्ति ने जैसे ही अंदर जाने के लिए ये नॉब पकड़ा, इस नॉब पर लगा हुआ गन पाउडर उसके हाथों पे आ गया। बस क्राइम ब्रांच ने भी पैराफिन टेस्ट किया, लेकिन उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि कीर्ति के दरअसल हाथ पर, यहाँ हथेली पर गन पाउडर था। और जब कोई इंसान अपने हाथ से गोली चलाता है तो गन पाउडर आता है यहाँ पर, लेकिन कीर्ति के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी ये सब कातिल की पहले से की गई साजिश थी। बस मुझे एक और बात पता चली है, बड़ी अजीब बात। क्या? मरने से पहले कीर्ति ने कुछ खाया था, और वो था आइसक्रीम, अचार, पापड़ और मिर्च। ये कैसा कॉम्बिनेशन है सर? एक और अजीब बात पता चली है। वो क्या? कीर्ति के सर पे से जहां से गोली पीछे से निकली है, उस जगह पर मुझे ये रेशम के कपड़े के कुछ रेशे मिले, और ये धागे कीर्ति ने जो उस वक्त कपड़े पहने हुए थे उनसे मैच नहीं होते। सर मतलब इस कपड़े से उसे बांध दिया होगा? किसी ने उसका मुंह बांध के रखा होगा। पेड़ी, अगर किसी ने मुंह बांध के रखा होता तो खूनी उसके मुंह के अंदर गोली कैसे मार सकता था? उसकी आंख पे पट्टी बंधी हो। आंख पे कोई पट्टी क्यों बांधेगा? उसके हाथ पैर तो खुले थे, उसने कोई स्ट्रगल भी नहीं किया था। हो सकता है उसने आपसी रजामंदी से पट्टी बंधवाई हो। आंखों पे रेशम की पट्टी और ये आइसक्रीम, अचार, पापड़ खिलाना, ये खुशी के आंसू। सर अब ये तो ऐसे फिल्मों में देखा है जहाँ वो रोमांस वोमांस करते हैं। बिल्कुल दया, बिल्कुल। कीर्ति का खून कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, प्यार से किया गया है, प्यार से। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए? मैंने ना तो कीर्ति से कोई रिश्वत ली है और ना ही उसे मारा है। ना ना, तुमने कहा कीर्ति से रिश्वत ली? तुम तो कीर्ति के साथ खेल रहे थे, हैं? है ना? उसकी आंखों में पट्टी बांधकर आइसक्रीम खिला रहे थे उसे। फिर मिर्ची, अचार, पापड़, हाँ? और अंत में गोली, करेक्ट? ये सब मैं क्यों करूंगा? तुम्हारा तो उसके साथ दिल का रिश्ता था, दिल का, है ना? ज्यादा है? है? या कोई और सबूत चाहिए? इसे देखा है? ये तुम्हारा ही है ना? ये आप लोग इस तरह से मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को हाथ कैसे लगा सकते हैं? इसे सर्च वारंट कहते हैं। ओके फाइन, ये मेरा है, मेरी मां की आखिरी निशानी, लेकिन इसका कीर्ति के मर्डर से क्या लेना देना हो सकता है? लेना देना है। तुम्हारी मां की आखिरी निशानी थी ना, इसलिए तुम उसे फेंक नहीं पाए। इस रुमाल में जला हुआ निशान है गोली का, जो तुमने कीर्ति को मारी। तुम्हें क्या लगा इस रुमाल को धो के, ब्लीच करके, सारे
सबूत मिट जाएंगे। धोने से गन पाउडर तो धुल जाते हैं, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है खून के निशान कभी धुलते नहीं है। और जब हमने इसे टेस्ट किया तो वो कीर्ति के खून से मैच हुआ। बोलो मार्टिन, सच सच बताओगे या कोई दूसरा तरीका अपनाएं? हाँ, मैंने किया उसका खून, करना पड़ा, नहीं तो वो मुझे और मेरे करियर दोनों को बर्बाद कर देती। मुझे पता है आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और ऊपर से मैं गिर भी गई, लेकिन मार्टिन जिस हिसाब से मेक श्योर कि आज मैं यहाँ से एलिमिनेट ना हो। डोंट वरी डार्लिंग, आफ्टर ऑल मैं जज क्यों हूँ? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बेटा यही होगा कि तुम सब कुछ संभाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें संभालने का मौका नहीं देने वाली। What do you mean? मेरा मतलब ये है कि अगर आज मैं यहाँ से एलिमिनेट हुई ना मार्टिन, तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और मैं सबको बता दूंगी कि तुम फीमेल कंटेस्टेंट का कैसे फायदा उठाते हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट बी गुड फॉर यू। वो ये बात मानने को तैयार नहीं थी कि मैं चाह के भी उसे कंपटीशन में ज्यादा देर तक नहीं रख सकता था। दो जजेस और हैं, ऑडियंस है, उनके मार्क्स भी मैटर करते हैं। तंग आ चुका था मैं उससे, इसीलिए खुद को और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए मैंने उसे मारने का फैसला कर लिया। कीर्ति स्वीट हार्ट, यू वर ब्रिलियंट। तुम यहां पे क्या कर रहे हो? वहां से एलिमिनेट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो यहां पे आ गए तुम? स्वीट हार्ट मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। Look at yourself. तुम ऐसे हंस क्यों रहे? Oh Lord, sweetheart, you know this is reality television. You know how all this works. You know, तुम्हारा elimination एक dramatic exit है। आने वाले semifinals में होगी तुम्हारी wild card entry. तुम सच कह रहे हो? मैं कभी झूठ बोलता हूँ? Seriously? Thank you so much. Oh God, तुमने मुझे एकदम डरा दिया था. Thank you. But you know what? What? तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। लेकिन मेरे पास एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और वो सरप्राइज क्या है? सुन ले तो। गेसिंग गेम बिगिन। पापड़ बिकन चिली आइसक्रीम। मार्टिन, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, बट नाउ आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू। जिससे प्यार किया उसे इतनी बेदर्दी से मार दिया? कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मर्डर मैंने की है। इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने। सर पे या सीने में गोली नहीं मारी, खेल खेल में आंखों में पट्टी बांध के मुंह में गोली मारी ताकि वो क्लियर कट सुसाइड लगे। क्यों, सही कह रहा हूं ना? हाँ, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मर्डर है। इतनी अच्छी प्लानिंग की थी मैंने। हाँ, मगर हमने कीर्ति की मौत का इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू कर दिया उसके पिताजी के कहने पर, और तुम पकड़े गए। जब भी सीआईडी वाले किसी मुजरिम के पीछे पड़ते हैं ना, तो कभी सही सलामत बच नहीं सकता। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना मार्टिन, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।
बोल वाला। थैंक यू एसीपी, तुमने मेरा काम करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। बाला एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एसीपी प्रद्युमन किसी भी मुजरिम पर एहसान नहीं करता, वो उसे सजा दिलवाता है, समझे? काम की बात कर। तुम जो भी बोलो, लेकिन मैंने तुम्हें जुबान दी है, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। मैं अगले फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूं सरेंडर करने। ठीक है। और एक बहुत अहम सुराग भी देने वाला, जिसने बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रखा है। आई ते इस सुई पर था उसे, और ये इस अंगूठी में। अब बॉस, इस अंगूठी को ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। आई एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी शाखाएं फैली हुई है हर क्राइम में। क्या कहा तूने? आई, तू जानता है उसे? कौन है वो, बता जल्दी। ऐसे नहीं बता सकता, मिलके बताऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.